नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मसरत आलम की रिहाई पर केंद्र ने जम्मू कश्मीर सरकार से रिपोर्ट मांगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर सरकार से उन परिस्थितियों के संबंध में रिपोर्ट मांगी है जिसके तहत कट्टरपंथी अलगाववादी नेता मसरत आलम को रिहा किया गया। आलम के खिलाफ 15 से अधिक मामले लंबित है। उधर जम्मू और कश्मीर की भाजपा इकाई भी इसका विरोध कर रही है। एक और मुफ्ती के फैसलों से नाराज विश्व हिंदू परिषद ने मुफ्ती से माफी मांगने की मांग की है, तो दूसरी ओर प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि अगर मुफ्ती पाकिस्तान परस्ती नहीं छोड़ते तो फिर उन्हें कान पकड़कर हटा देना चाहिए। आरएसएस भी मुफ्ती के इस फैसले से नाराज है। भाजपा ने कहा है कि ऐसे फैसलों से गठबंधन को खतरा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा है। हफ्ते भर में ही बात अब गठबंधन टूटने की कगार पर आ गई है। भाजपा ने साफ कहा है कि मसरत के मुद्दे पर पार्टी को अंधेरे में रखा गया। नागालैंड में बलात्कार के आरोपी को दफनाया, अब तक 22 गिरफ्तार। नागालैंड के दीमापुर शहर में रविवार को कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रदर्शनों से असम के कई हिस्से दहल गए और बराक घाटी में 12 घंटे तक बंद रहा। बलात्कार के आरोपी को भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दिए जाने के सिलसिले में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करीमगंज के उपायुक्त बरुआ ने बताया कि खान को सख्त सुरक्षा के बीच करीमगंज जिले के बोसला गांव में दफन कर दिया गया। काफी संख्या में लोग, पूर्व मंत्री एवं विधायक सिद्दीकी अहमद भी मौजूद थे। अंजलि दमानिया ने लगाया प्रशांत भूषण पर आरोप। महाराष्ट्र की आप नेता अंजलि दमानिया द्वारा प्रशांत भूषण पर हमला करने के साथ आपका अरविंद केजरीवाल समर्थक गुट आक्रामक रुख अपनाता दिखा। अंजलि ने कहा कि प्रशांत भूषण चाहते थे कि पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव हार जाए। केजरीवाल की सहयोगी अंजलि ने प्रशांत भूषण पर जरूरत के समय दानकर्ताओं को पार्टी के लिए धन देने से हतोत्साहित करने का भी आरोप लगाया। अंजलि ने कहा कि 27 जनवरी को मैं प्रशांत जी से उनके कार्यालय में मिली। मैं तब हैरान रह गई जब उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार मिले।